बहुत दिन के बाद फिर से मैं टपक गई ब्लॉग बनाने के। अच्छा नहीं लगता है ऐसा, बहुत गर्मी है और ऊपर से कल रात को पानी देने का टाइम था, पानी नहीं दिया। रात को पानी नहीं देते तो सुबह 6:30 बजे देता है, वो भी नहीं दिया 6:30 बजे। पता नहीं कब देगा, पानी के बिना बहुत दिक्कत और ऊपर से बहुत गर्मी। बाल नहीं, मुझे तो बाल धोना आदत है और बाल नहीं धोंगी तो बहुत मुझे परेशानी होता है। कल ही एक जन के मुख से सुना मैं जिम में कि उन लोगों का कल पानी नहीं दिया, दोपहर को सुन के रात को हमारे इधर पानी नहीं दिया हमारे एरिए में। कोई बात नहीं, चलेगा, बिना नहा के रह जाएंगे, बट वो कभी नहीं हो सकता। और मेरे लिए बाल तो मुझे धोना ही धोना है, ऐसे जब तक बाल नहीं धोंगी ऐसे मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से फ्रेश नहीं हूँ, ऐसा मेरा आदत हो गया। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं चलता, मुंबई में क्या बोलते हैं महाराष्ट्र जो है मराठी लोग हफ्ता में 15 दिन में एक बार बाल धोते हैं, ऐसे ही से 2-4 माह शरीर में पानी डाल के हो जाता है उन लोगों का, उन लोगों का आदत हो गया। चलो जो भी हो, बक बक ज़्यादा कर लिया, एकदम छोटू सा ब्लॉग बनाऊंगी। आज है सैटरडे, खाना बना रही हूँ, खाना में है भेज। भेज में बहुत सोची क्या वेजिटेबल बनाऊँ क्या वेजिटेबल बनाऊँ, तो रोटी के साथ वेजिटेबल क्या बनाऊँ। इसके लिए कोई तो ऊपर से देख रहा है, ऐसा जा रहा है तो मुझे दिखाई दिया, तो वही देख रही हूँ। चलो जो भी हो, तो वेजिटेबल कुछ नहीं बनाई, मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम, ये देखो मैं ये बना रही हूँ। अभी थोड़ा ज्यादा ही इसमें पानी है, बट इसको थोड़ा और भी मतलब ग्रेवी थोड़ा और भी कम करना पड़ेगा, अभी ज्यादा ही है तो यही बना रही हूँ। तो दिखा दिया आप लोगों को मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि वेजिटेबल में बहुत सोचना पड़ता है, रोटी के साथ क्या अच्छा लगेगा। फिर बेटी भी थोड़ा नखरा करती है, ये क्या है, ये मैं उसको खिला दूंगी ना तो खा लेगी, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बोलेगी कि ये तो अगले सैटरडे को ही किया फिर आज किया, ऐसा बोलेगी, बट खा लेगी ऐसा। और क्या बोलूँ, और कुछ नहीं, गणपति पूजा चला गया, विसर्जन हो गया। ऐसा कोई भी फेस्टिवल जब खत्म हो जाता है ना, विसर्जन होता है, जैसे हमारा बंगाली का दुर्गा पूजा जो होता है वो मतलब लास्ट जो विसर्जन के दिन मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा रोने जैसा आता है, गणपति के दिन भी मुझे ऐसा ही होता है। तो चलो कोई बात नहीं, जो ये है नियम है जो है वो तो करना ही पड़ेगा, मेरे रोने से कुछ नहीं, बट मन थोड़ा खराब लगता है। अभी पूजा है, पूजा है बहुत अच्छा, जैसे ही खत्म हो जाता है तो थोड़ा ऐसा लगता है बुरा। तो चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए गाइस, बाय।